हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। इंडिया पोस्ट तरफ जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट 30,000 पोस्ट आपन वैकेंसी बाहरी तार एवं ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो सारी। पोस्ट को आपन ऑनलाइन अप्लाई केमी करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मुझे बताइबी। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करनी और बेल आइकन प्रेस करने को भूल। चलो ये पोस्ट को आपन केमी अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप जानवा। फ्रेंड ये जो देखते इ निजुक्ति .in निजुक्ति ओडिशा ऑफिशियल साइट रही है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी, डायरेक्ट क्लिक करेंगे अपना वेबसाइट पहुंची पारे। ना जब आप गूगल सर्च करेंगे इ निजुक्ति .in जो प्रथम आसो से वेबसाइट क्लिक करेंगे अपना पोस्ट में पहुंची पारे। ये आप शो कौन इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन शो कौन टोटल जो पोस्ट वैकेंसी रही 30,041 पोस्ट आप वैकेंसी रही। पोस्ट को अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट 3/8/2023 स्टार्ट होती लास्ट डेट रेस 8/2023 रगस्ट 3 रू अगस्ट 23 जाए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई टाइम टाइम जब आप किसी भूलभाल करते एडिट करा आप कलेक्शन विंडो खोलो 24/8/2023 आप खोल और 26/8/2023 जाए आप रोबीस 26 जाए आप कलेक्शन करेंगे। आप्लिकेसन फी जो रखाई जेनेल ओबीसी 100 टाँचा SC/ST पीरियड फीमेल कैंडिडेट आप्लिकेसन फी रखा आप फ्री अप्लाई करेंगे। एज लिमिट आप 18-40 वर्ष आप एज लिमिट रखा है। एजुकेशन कलेक्शन आप 10th पास करते पोस्ट को अप्लाई करेंगे। ये आप स्टेट वाइज आप वैकेंसी आप चेकआउट करेंगे कमी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहा डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। ये आप रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरएफ क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे भल भाव रिडआउट करेंगे। जदि आप पोस्ट को अप्लाई करेंगे इलिजिबल होते अप्लाई लिंक शो कौन आरएफ आप क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर यह पेजटा आप ओपन हो फास्ट आप रजिस्टर करा पड़ो स्टेज वाने आप शो कौन रजिस्ट्रेशन आर उपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर यह पेजटा आप ओपन होटी आपंकर जहाँ जहाँ डिटेल्स मागे सब आप भरपे मोबाइल नंबर 10 डिजिट वैलिड मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। तापर आप वैलिड मोबाइल नंबर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आप ओटीपी आसो ओटीपी देवी आपर मोबाइल नंबर आप वैलिड हो तापर आप ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे। वैलिड ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे आपको ओटीपी थ्रो में ईमेल आईडी आप वैलिड करेंगे। एप्लीकेंट नेम आज फॉर सेकेंड हाई स्कूल फास्ट सर्टिफिकेट आपंकर जहाँ आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट जहाँ ना रही ना आप एंटर करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हुए आप करेक्टली आप ना एंटर करेंगे। फादर्स नेम और मदर्स नेम जहाँ आप सर्टिफिकेट रही फादर्स नेम दिखाई फादर्स नेम देते ना मदर्स नेम थे मदर्स नेम आप एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जहाँ आप डेट ऑफ बर्थ सी डेट डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। डेट मंथ ईयर आप डेट ऑफ बर्थ जहाँ रही डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। जेंडर आप कौन रही मेल ना फीमेल जहाँ आप जेंडर जेंडर सिलेक्ट करेंगे। कम्युनिटी आप कौन रही अनरिजर्व अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC/ST जहाँ आप कम्युनिटी रही कम्युनिटी आप सिलेक्ट करेंगे। सर्कल इन व्हिच सेकेंड हाई स्कूल फास्ट आप कौ सर्कल आप सेकेंड हाई स्कूल आप पास करते ओडिशा आप सिलेक्ट करेंगे। आप ओडिशा पास करते ओडिशा आप सिलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंड हाई स्कूल आप कौ ईयर आप 10th पास कले आप ईयर आप सिलेक्ट करेंगे कौ ईयर आप 10th पास कले ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। एंटर द टेक्स्ट ऑन बिलो आप जो कैप्चा आप शो कौन कैप्चाटा आप एंटर करेंगे। तापर आप सबमिट उपरे क्लिक करेंगे। सबमिट उपरे क्लिक कलापर आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप कंप्लीट हो कंप्लीट होगा जहाँ आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरते बट आप प्रीव्यू हो भल भाव चेकआउट करेंगे। तल तक आप स्क्रॉल करेंगे। आधार नंबर जहाँ आप आधार नंबर रही आधार नंबर आप एंटर करेंगे। आर यू पर्सन विथ डिजेबिलिटी आप डिफिकल्ट कैटेगरी बिलंग्स करेंगे तो आप एस उपरे क्लिक करेंगे। एस उपरे क्लिक कला पर टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी आप कौन अच्छी कैटेगरी ए बी सी आप कौन रही है आप सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट कलापर आप सब कैटेगरी कौन अच्छी आप सब कैटेगरी आप शो करेंगे। आप हिसाब से आप कैटेगरी चूज कर आप सब कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप पीडब्ल्यू कैटेगरी ही नए तो आप नो उपरे क्लिक करेंगे। लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंड हाई स्कूल 10th आप लैंग्वेज आप पढ़ी आपंटे आप सिलेक्ट करेंगे। जो लैंग्वेज आप पढ़ते हैं आप लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे। वेदर एम्प्लॉयड आप एम्प्लॉयड थे आप ये सब क्लिक करेंगे नए नो उपर क्लिक करेंगे। जब आप ये सब क्लिक करते हैं एनओसी आप अवेलेबल अच्छी एनओसी आप अच्छी ना आप ये नो आप करेंगे। जब आप एम्प्लॉयड ना आप नो उपर क्लिक करेंगे। फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ जो साइज रहा दरकार लेस देन 50 KB आप फोटोग्राफ साइज रहा दरकार जेपीजी फॉर्मेट रहा दरकार। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आप फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे। एटे आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर साइज आप रहा दरकार 20 KB भितर आप सिग्नेचर साइज रहा दरकार जेपीजी फॉर्मेट रहा दरकार। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तापर आप सबमिट उपरे क्लिक करेंगे। क्लिक कला पर आपको मेसेज शो करेंगे डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट डाउन कर रखने कंटिन्यू टू अप्लाई आप क्लिक करेंगे।
जो मैंने ऑलरेडी जीडीएस पे प्रीवियसली अप्लाई करते से रजिस्टर नंबर थो आपके रजिस्टर नंबर अच्छे डायरेक्ट आपड़ी अप्लाई उपर क्लिक करेंगे। जदि आप रजिस्टर नंबर भूल जाती फॉरगॉट रजिस्टर उपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर यही पेज आप आसीज ये आप जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करते हैं मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जदि आप मोबाइल नंबर मन ना इमेल आईडी थ्रो आप भी आप रजिस्टर जानते हैं सबमिट उपर क्लिक करेंगे। आपको मोबाइल नंबर आप एसएमएस द्वारा आसो ना इमेल द्वारा आप रजिस्टर नंबर आसो रजिस्टर नंबर जान सारापर आप शो करते अप्लाई उपर आप यही अप्लाई उपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर ये पेजटा आप ओपन हो जो मैंने न्यूली रजिस्टर करेंगे न्यू रजिस्टर करेंगे से कंटिन्यू टू अप्लाई क्लिक कलापर ये पेजटा ओपन हो जो मैंने प्रीवियसली अप्लाई कर सारी थे रजिस्टर नंबर जान सारापर से अप्लाई क्लिक कले ये पेजटा आप ओपन होगा रजिस्टर नंबर रही रजिस्टर नंबर आप एंटर करेंगे। आप सर्कल पर अप्लाई कर सर्कल आप सिलेक्ट करेंगे। आप सबमिट उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आप जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करते हैं से मोबाइल नंबर आपको ओटीपी जी ओटीपी आप एंटर करेंगे। कैप्चा देखते कैप्चा आप फिलअप करेंगे। आप नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर आप नेम आप रजिस्टर नंबर डेट अफ बर्थ जहाँ देते जहाँ भरी थे आप शो करो आड्रेस डिटेल्स आप भरेंगे। कम्युनिकेशन आड्रेस फास्ट आप प्रेजेंट आड्रेस आप भरेंगे। डोर हाउस अपार्टमेंट नंबर आप एंटर करेंगे। स्ट्रीट आप एंटर करेंगे स्ट्रीट नेम आप एंटर करेंगे। विलेज की सिटी नेम आप एंटर करेंगे। पंचायत मंडल डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ रही है एंटर करेंगे। पिनकोड जहाँ आप पिनकोड रही पिनकोड आप एंटर करेंगे। ये आप रही सेम आज कम्युनिकेशन आड्रेस आप जो कम्युनिकेशन आड्रेस प्रेजेंट आड्रेस भरले से परमानेंट आड्रेस सहित सेम अच्छी आप टिक करेंगे। दुईटा आड्रेस आप सेम हो अलग अलग अच्छी आप टिक करेंगे। परमानेंट आड्रेस आप आउे आप भरेंगे। सर्कल इन एज सेकेंडरी स्कूल फास्ट आपड़ा जो कटेबे ओडा फास्ट शो करो केवे आप टेन्थ पास आउट हेल्ले आप शो करो। सिलेक्ट बोर्ड आप बोर्ड आप कौन रही है आप बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्यमा कटक 2014 अनवर्ड आप सिलेक्ट करेंगे। ये आप 2014 पर आप पास करते आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2009 अनवर्ड जब आप 2009 अनवर्ड आप सिलेक्ट करेंगे। आप सेंट्रल बोर्ड होते हैं सीबीएसई बोर्ड होते हैं कि आप आज बोर्ड होते हैं आप सिलेक्ट करेंगे। रिजल्ट टाइप आप कौन रही मार्क आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर सारे आप सब्जेक्ट आप आसो जब आप सब्जेक्ट आप मैच खाऊनी आप बोर्ड आप चेंज कर देखने जब आप 2014 अनवर्ड आप शो करते हैं आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2009 अनवर्ड ओडिशा आप सिलेक्ट करेंगे। आप बोर्ड चेंज कर देखिए जब आप सब्जेक्ट आप मैच खाई आप सब्जेक्ट सब आप एंटर करेंगे। सिलेक्ट सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट कौन रही सेकेंड लैंग्वेज इंग्लीश आप सिलेक्ट करेंगे। जहाँ आप 100 मार्क फुल मार्क 100 शो कर आप मार्क जी मार्क आप सिक्योर करते मार्क आप एंटर करेंगे। सेमती आप सिलेक्ट सब्जेक्ट आप फास्ट लैंग्वेज आप कौन रही आप फास्ट लैंग्वेज आप ओडिया थे ओडिया सिलेक्ट करेंगे। आप जहाँ लांगुएज फास्ट लांगुएज अच्छे आप फास्ट लांगुएज आप सिलेक्ट करेंगे। तापर आप कैसे मार्क सिक्योर करते सिक्योर मार्क आप एंटर एंटर करेंगे। मैथमेटिक्स आपके साइंस के सोशल साइंस आपके आप एंटर करेंगे। सब्जेक्ट आप किसी सब्जेक्ट आप ना ये आप शो करते आप किसी सब्जेक्ट आप आड करेंगे। जो सब्जेक्ट आप अच्छे आउ सब्जेक्ट आप आड करेंगे। थर्ड लांगुएज भी आप आड करेंगे। थर्ड लांगुएज आप के आप थर्ड लांगुएज आप एंटर करेंगे। जब आप सीजीपीएस स्कोर जब आप किसी अच्छी सीजीपीएस स्कोर आप देते जब आप किसी ना तो आप ब्लैंक छाड़देव आप ग्रेडेशन अच्छी आप ग्रेडेशन आप परसेंट कमी कन्वर्ट करेंगे। आप मेन नोटिफिकेशन आप 9.5 जब आप ग्रेड पॉइंट रही 9.5 मल्टीप्लाई करेंगे आप परसेंट आप कन्वर्ट करेंगे। आप मार्क सब आप एंटर करेंगे। आप सेव एंड कंटिन्यू आप क्लिक करेंगे। आपके एप्लीकेशन फॉर्म आप टिक होगा चूज प्रिफरेंस आप भरवा अच्छी चूज योर प्रिफरेंस ईयर आप चूज करेंगे। सर्कल अप्लाई कर ओडिशा आप सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट डिविजन अप्लाई कर आपको कौन डिविजन पर आप्लाय करेंगे आप डिविजन आप सिलेक्ट करेंगे। जो डिविजन पर आप्लाय करेंगे से डिविजन आप सिलेक्ट करेंगे। आप हिसाब से डिविजन आप सिलेक्ट करेंगे। डिविजन सिलेक्ट कर सारापर से डिविजन आपर कौट कौट सब वैकेंसी रही आप सब शो कर दुटा पेज रही है आप हिसाब से गोटे पेज दुटा पेज कि तीन टा पेज आप शो करेंगे। सब पेज प्रिफरेंस देदेवे आप फास्ट पेज रही है सेकेंड पेज आप रही 18 आप कटक डिविजन आप 18 आप प्रिफरेंस रही आप हिसाब से आप प्रिफरेंस आप देदेवे कौटे आप फास्ट जॉइन करेंगे आप 1, 2, 3 आप प्रिफरेंस आप सब प्रिफरेंस आप देदेवे शो करो। सिलेक्ट डिजन आप जो डिजन आप सिलेक्ट करते डिजन आप शो करो। डिक्लेरेशन भल भाव पढ़ने आई हेल्प डिक्लेयर डाटा आप टिक करेंगे। डिक्लेरेशन भल भाव पढ़ने आप सेव एंड प्रोसीडर आप क्लिक करेंगे। आप शो कर डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली प्लीज पे द फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस।
जदि आपर पेमेंट करने को ऑप्शन अच्छी आप पेमेंट करने को ऑप्शन आसो जदि आप पेमेंट करेंगे ऑप्शन ना आप एससी एसटी कि आप वुमेन्स कैंडिडेट कि आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट आप पे करा पड़ोनी डायरेक्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके पाखे रखिदेवे जदि आप फी पेमेंट करा अच्छी अनरिजर्व के ओबीसी कैंडिडेट आपने ओके ऊपर क्लिक कलापर आप फी पेमेंट आपके फी पेमेंट आप शो कर फी पेमेंट आपत कराए फी पेमेंट आप शो करतापर आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पर क्लिक कलापर आप बिलडेक्स आप ओपन होते टाँग अमाउंट फी कर शो कर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई वॉलेट क्यूआर थ्रो आप पे करेंगे जो ऑप्शन सुटेबल अच्छे से ऑप्शन आप क्लिक करेंगे जब आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चूज करते कार्ड डिटेल्स आप भरेंगे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पर क्लिक कलापर आप पेमेंट वेरीफाई हो पेमेंट वेरीफाई आप पेमेंट सबमिट हो पेमेंट सबमिट होगा आप्लिकेशन फर्म सबमिट हो आप्लिकेशन फर्म प्रिंट करेंगे ऑप्शन आसो आप्लिकेशन फर्म प्रिंट करेंगे आप रखने जदि आप पेमेंट कर सारापर आप आप्लिकेशन फर्म प्रिंट करेंगे आप ऑप्शन आसना केमी आप्लिकेशन फर्म प्रिंट करेंगे मुझे कहीदे ऑनलाइन आप सो कौन आप्लिकेशन स्टेटस आप क्लिक करेंगे क्लिक कलापर ए पेज आप ओपन होट नंबर आप एंटर करेंगे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे सब क्लिक कलापर आप आप्लिकेशन स्टेटस आप शो करतापर आप आप्लिकेशन फर्म को प्रिंट करेंगे आप रखने इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रो पोस्ट को आप कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मुझे आपको बताई सारी जदि आप मन में किसी भी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में पचारत यह भिडियो आप भल लगी है भिडियो को लाइक करूँ आप फ्रेंड मैं सेयार करूँ ए चैनल को सब्सक्राइब करा भूलु धन्यवाद।